आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज से शुरू होने वाला बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। आज से मध्य प्रदेश के बजट सत्र का आगाज हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई को लेकर बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। आज से शुरू होकर बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के 33 दिनों में 23 बैठकें होंगी। 2 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पेश करेंगे बजट। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा साइकिल से विधानसभा जाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। साल 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मात्र 15 मिनट ही चला था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगी। स्मृति ईरानी अमेठी में राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली हैं। स्मृति ईरानी अब अमेठी को अपना स्थायी ठिकाना बनाने जा रही हैं। वो आज अमेठी में अपने आवास के लिए जमीन की रजिस्ट्री कराएंगी। स्मृति ईरानी ने चुनाव के दौरान ही अमेठी में अपना आवास बनाने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के लिए अमेठी में जमीन ले रही हैं। स्मृति ईरानी सुबह 9:50 लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग से अमेठी के गौरीगंज पहुंचेंगी। वहां जमीन की रजिस्ट्री कराएंगी। इसके बाद स्मृति ईरानी दोपहर 3 बजे राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस दौरान वो कई नए भवनों का लोकार्पण करेंगी और साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। उसके बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगी। मौत की सजा पा चुकी शबनम को फांसी देने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। फांसी से बचने के लिए शबनम ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत की घाट उतारने वाली शबनम ने फांसी से बचने के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। जुलाई 2019 से यूपी के रामपुर जेल में बंद शबनम के 12 साल के बेटे ताज ने केयरटेकर उस्मान के साथ जेल जाकर अपनी मां शबनम से मुलाकात की। शबनम के बेटे ताज ने भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाई है कि मेरी मां को फांसी की सजा न दी जाए। मां को फांसी देने से मैं जिंदगी भर के लिए अकेले रह जाऊंगा। अमरोह जिले के बावनखेड़ी गाँव में 14-15 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर शबनम ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया था। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।